नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अन्नू का किचन में। आज हम बनाएंगे जयपुरी ढाबा स्टाइल आलू पराठा। छह सात आलू लेंगे, उनको अच्छे से छील लेंगे। आलू को दो पीस में काट लेंगे, जिससे कि आलू अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। अब आलू को कुकर में डालेंगे। दो कप पानी डालेंगे। कुकर बंद करके 6-7 सीटी दिलाएंगे। अब शिमला मिर्च को अच्छे से चॉप कर लेंगे। अब प्याज को भी छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। अब एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। हाफ टेबलस्पून क्यूमिन सीड्स लेंगे। ऑनियन डालेंगे। दो मिनट की सौते करेंगे। अब शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च को भी 2 मिनट के लिए सौते करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। लाल मिर्च डालेंगे 1 चम्मच। 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। अच्छे से मिला लेंगे। गरम मसाला डालेंगे। अब ढक के 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। अच्छे से कुक हो गया है। अब इसमें उबले हुए आलू डालेंगे। इनको मिक्स करेंगे। इस तरह से मसाला बनाएंगे तो आलू पराठा बहुत टेस्टी बनेगा। अब आटा लगाने के लिए 2 कप आटा लेंगे, जो घर में हम खाते हैं। स्वाद अनुसार नमक। 1 चम्मच घी लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। और सॉफ्ट डो लगा लेंगे।
अब थोड़ा सा घी लगाएंगे आटे पे। छोटी पूरी बेलते हैं उतना बेलेंगे। अब आलू की फिलिंग लगाएंगे। अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा आटा है वो निकाल देंगे। अच्छे से बेलेंगे। अब अच्छे से सेकेंगे। पूरी पर घी लगाएंगे, आप ऑयल भी लगा सकते हैं। आपका पराठा तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, ऐसे ही इजी रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब करें।